हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चार ऐसे स्टॉक के ऊपर जहां पे कि मंथली चार्ट पे एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट आया है और ये सभी स्टॉक्स आपको बहुत ही जबरदस्त पैसा बना के देने वाला है। तो वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि जब तक आप सभी बातों को अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक जो है आप ट्रेड को अच्छे से होल्ड नहीं कर पाएंगे, और जब तक ट्रेड को अच्छे से होल्ड नहीं करेंगे आपका पैसा नहीं बनेगा। तो बेटर है पेशेंस के साथ ध्यान से लास्ट तक देखिए, स्टॉक्स को नोट डाउन कीजिए, लेवल्स को नोट डाउन कीजिए, और उसके बाद जाके आप खुद से एनालिसिस करके एंट्री ले सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल को भी सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टॉक है KEIL, कनोडिया एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। स्टॉक में आज 10% का अपर सर्किट लगा हुआ था। इस स्टॉक में एक बहुत ही अच्छा मल्टी ईयर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग लास्ट वन मंथ के रिटर्न की बात करेंगे तो स्टॉक ने लास्ट वन मंथ में तकरीबन 43% का रिटर्न दिया है, और लास्ट सिक्स मंथ में स्टॉक ने ऑलमोस्ट 90% का रिटर्न दिया है। एक बहुत ही शानदार रिटर्न इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। चलिए अब हम लोग चार्ट्स के ऊपर बात करते हैं, मंथली चार्ट के ऊपर बात स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक में बहुत ही प्यारा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। क्लियरली स्टॉक जो है 36-37 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा था। स्टॉक इसके ऊपर जरूर जा रहा था बट स्टॉक जो है 37 रुपीज के लेवल के ऊपर क्लोज नहीं दे पा रहा था। फाइनली स्टॉक ने आज के सेशन में 40 रुपीज 50 पैसे के लेवल पे क्लोज दिया है। एक बहुत ही अच्छा कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट भी हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। स्टॉक में पहले एक गिरावट हुआ, गिरावट के बाद जो है स्टॉक ने यहाँ पे 2018 से ही एक कप पैटर्न बनाया, 2022 से एक हैंडल पैटर्न बनाया, और अब जाके जो है यहाँ पे आपको ब्रेकआउट कंफर्म हो चुका है। इसके साथ ही अगर देखेंगे तो एक मल्टीपल इनसाइड कैंडल का भी ब्रेकआउट हम लोगों को दिख रहा है। काफ़ी लोग मल्टीपल इनसाइड कैंडल को ट्रेड करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे भी ट्रेड करते हैं, डेली पे भी ट्रेड करते हैं। यहाँ पे मंथली चार्ट पे मल्टीपल इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही अगर बात करेंगे तो एक जो है वो आपको 5.5 ईयर का 2018 के अप्रैल मंथ से ही स्टॉक जो है वो आपको एक कप पैटर्न बना रहा था, और उसके बाद जो है स्टॉक ने यहाँ पे कंप्लीट किया और इसका ब्रेकआउट हो चुका है। हम लोगों को पता है कभी भी अगर कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट होता है, टारगेट क्या होता है, टारगेट होता है कप का डेप्थ। यहाँ पे अगर हम लोग कप के डेप्थ की बात करेंगे तो ये जो डेप्थ है ये है ऑलमोस्ट 35 पॉइंट का। ऊपर की साइड में अगर 35 पॉइंट को हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं तो 75 का टारगेट आता है, और ऑलमोस्ट अगर देखेंगे इस स्टॉक का ऑल टाइम हाई जो है वो 74.65 रुपीज़ का है। यानी कि स्टॉक जो है, स्टॉक के पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे कि स्टॉक ऊपर की साइड में मोमेंटम कर सकता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे जो हम लोगों का स्टॉप लॉस क्या होगा, तो हम लोगों का स्टॉप लॉस होगा 25 रुपीज़ के नीचे मंथली क्लोजिंग बेसिस पे। 25 रुपीज़ के नीचे जब तक मंथली क्लोज नहीं होता है या फिर वीकली क्लोज नहीं होता है तो स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। ऊपर की साइड में जो है ऑलमोस्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो 90% का एक काफ़ी अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं दूसरे स्टॉक के ऊपर। दूसरा स्टॉक है PNC इंफ्राटेक। एक और बात आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम या फिर ट्विटर हैंडल को ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक के थ्रू आप लोग टेलीग्राम और फिर ट्विटर हैंडल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे कि आपको और भी स्टॉक्स के बारे में या फिर अगर बोले निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सभी लेवल्स आपको डेली मिलते रहेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपको हेल्प होने वाला है। तो ट्विटर और टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। सेकेंड स्टॉक है PNC इंफ्राटेक। अभी अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस है, और PNC इंफ्रा को आपको इसमें काफ़ी फायदा होने वाला है, क्योंकि पर्टिकुलर कंपनी जो है ये आपको एयरपोर्ट्स पे भी कंस्ट्रक्शन करता है, साथ ही साथ जो है रेलवे में भी है, रोड में भी है, तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है कंस्ट्रक्शन का। वनली रोड में नहीं है, वनली
आपको रेलवे में नहीं है, रेलवे, रोड, एयरपोर्ट, इन सभी चीजों का ये कंस्ट्रक्शन करता है, और काफी सारे प्रोजेक्ट्स जो है इस कंपनी ने ऑलरेडी आपको एग्जीक्यूट किए हैं सक्सेसफुली, और इसके साथ ही जो है काफी सारा प्रोजेक्ट जो है अभी इनके पास भी है। तो आने वाले कुछ समय में इस स्टॉक में एक बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिल सकता है। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, एक बहुत ही प्यारा राउंडिंग बॉटम पैटर्न जो है वो हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 2 ईयर का ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न है जिसका कि ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही अगर बात करेंगे नीचे के लेवल से, हम लोगों को यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है, जिस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट से स्टॉक कंटिन्यूसली आपको बाउंस कर रहा है। यहाँ पे बाउंस किया, वापस से यहाँ पे बाउंस किया, लेकिन यहाँ पे देखेंगे रिसेंट बाउंस किया है। तो एक काफी अच्छा जो है स्टॉक में हम लोगों को चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है, बहुत ही क्लियर चार्ट पैटर्न है, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट, साथ ही साथ जो है राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट। स्टॉक में ऊपर की साइड में एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इस स्टॉक में हम लोगों का टारगेट जो है वो 600-750 का टारगेट होने वाला है, लेकिन उसके लिए आपको नेक्स्ट 6 मंथ टू 1 ईयर होल्ड करना पड़ सकता है। रीसेंट टाइम में अगर देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी में काफी अच्छा तेजी देखने को मिला था, जहां पे कि DLF, गोदरेज इंडस्ट्रीज, सोभा, एक्रोटेक डेवलपमेंट, इन सभी स्टॉक्स में एक अच्छा तेजी देखने को मिला। बट इस स्टॉक में जो है अब रैली स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टॉक को बाय कर सकते हैं। नीचे की साइड में जो SL रहेगा, SL रहेगा 310 के नीचे मंथली या फिर वीकली क्लोजिंग बेसिस पे, या फिर आप धीरे धीरे इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट से जो है इस स्टॉक स्टॉक में अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल भी करते हुए जा सकते हैं। हो सकता है स्टॉक में एक छोटा सा रिट्रेसमेंट भी आपको देखने को मिले, बट यहाँ पे रिट्रेसमेंट से आपको घबराना नहीं है, नीचे में और आप ऐड कर सकते हैं, और ऊपर की साइड में जो है यहाँ पे आपको 800 तक का एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे तो नेक्स्ट स्टॉक का यात्रा, यात्रा में एक बहुत ही अच्छा जो है हम लोगों को लिस्टिंग ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। IPO का जो बेस बना था उस बेस का ब्रेकआउट मंथली बेसिस पे इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है, और रिसेंटली अगर देखेंगे तो जितने भी इस सेक्टर के कंपनी है उसमें एक अच्छा तेजी देखने को मिला है। होटल इंडस्ट्रीज के स्टॉक्स में एक अच्छा तेजी ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। प्रीवियस 3 वीक से अगर देखेंगे तो स्टॉक जो है साइडवेज ट्रेड कर रहा है, मल्टीपल इनसाइड कैंडल का भी फॉर्मेशन वीकली बेसिस पे देखने को मिल रहा है। तो इस स्टॉक में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हम लोगों को देखने को मिल सकता है। यहाँ पे इस स्टॉक को हम लोग जो है 300 के टारगेट के लिए इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो होने वाला है आपका एंट्री करेंट मार्केट प्राइस पे आप ले सकते हैं, या फिर अगर आप और भी ज़्यादा बिल्कुल मोमेंटम जहां से स्टार्ट होगा उस लेवल को अगर आप बाय करना चाहते हैं, तो फिर जैसे ही यहां पे ब्रेकआउट होता है 186 के लेवल के ऊपर, यहां पे आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। नीचे की साइड में जो है अभी के लिए अपने SL को आप प्लेस करके रख सकते हैं लो के नीचे, जो कि है आपको 124.50 रुपीज के नीचे जो है आप अपने स्टॉप लॉस को अभी के लिए प्लेस करके रख सकते हैं। एक बार स्टॉक 200 के लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाएगा तो फिर हम लोग अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे ट्रेल कर सकते हैं। और लास्ट स्टॉक की बात करेंगे, लास्ट स्टॉक है हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT। HMT के स्टॉक में एक काफी टाइम के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, और जितने भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं या फिर आपको PSU है, इन सभी स्टॉक्स में एक अच्छा तेजी देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे भी हम लोगों को 12 ईयर का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। स्टॉक 2011 के बाद फर्स्ट टाइम जो है 70 रुपीज के लेवल के ऊपर मंथली बेसिस पे क्लोज दिया है। इससे पहले नो डाउट स्टॉक ने मल्टीपल अटेम्प्ट लिए थे, इनफैक्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो स्टॉक जो है 2010 के नवंबर मंथ से कभी भी जो है 70 रुपीज के लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया है। इसके साथ ही अगर यहाँ पे बात करेंगे तो एक 8 ईयर का अच्छा राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही हम लोग अगर बात करेंगे तो यहाँ पे भी हम लोगों को एक अच्छा कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। ओवरऑल चार्ट सेटअप काफी अच्छा है। यहाँ पे इस स्टॉक में जो है हम लोगों को एक अच्छा तेजी ऊपर की साइड में देखने को मिल सकता है। नीचे की साइड में 46 रुपीज के नीचे हम लोग अपने स्टॉप लॉस को प्लेस करके रख सकते हैं मंथली या फिर वीकली क्लोजिंग बेसिस पे। ऊपर की साइड में जो है 100-130 ये सभी टारगेट्स हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। आई होप आप लोगों को सही पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।